जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी, मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशदीप 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया, चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान ने फाइनली माफी मांग ली है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अपनी वीडियो में, आइए एक बार इस वीडियो पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते यारो। ये मेरा लास्ट वीडियो है कंट्रोवर्सी पे। मेरे को गाली गलौज नहीं करना है, बाकी मेरे को इन लोग को फेमस नहीं करना है और ना इन लोग के साथ कोई रिश्ता रखने का अपने को। तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, इफ दे आर बैड आई एम देयर डैड। हाँ, उन लोगों का बाप हूं मैं, लेकिन अभी बस अपन लोग ये गाली गलौज ये सब वो पब्लिकली नहीं, अकेले में उनको दिखा देंगे कौन किसका बाप है क्या है। बाकी सारे कुत्तों को भोंकने दो, तुम्हारे भाई का ये लास्ट वीडियो है इस पे, बाकी इन लोगों को लेंगे और दिखाएंगे। लव यू यारो, अभी गाली गलौज नहीं यार। क्या है, मैंने कभी जिंदगी में पहले गाली गलौज नहीं किया, एक दो बार किया होगा कभी। औरतें बूढ़े बच्चे भी अपना वीडियो देखते, अभी इन लोग की तरह थोड़ी भिखारी लोग की जरा कोई फाइन ही नहीं इन लोग के। अपने को तो औरतें बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं ना, फैमिली पसंद करती है। और मैं वो फैमिलियों से, वो औरतों से, वो बच्चों से, वो बूढ़ों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से, जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी, मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कुत्तों को समझाने का तरीका वही था, सॉरी मुझे माफ कर देना। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं एजाज खान के बारे में, क्या आपका ओपिनियन है, तो कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।